आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत 11 मार्च 2023 को रखा जाएगा। इस बार 11 मार्च 2023 को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी अत्यंत ही लाभदायक है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से, कथा सुनने से भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें तो आपको बहुत लाभ होगा। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की ये पौराणिक कथा। मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को अत्यंत लाभ होता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले, सुनने से पहले अपने हाथों में फूल और अक्षत अवश्य ले लें। अब सुनते हैं कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। सभी देवता कारण पूछने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता चल ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात तो बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमत उन्हें इस बात के लिए दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश भगवान जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया और बारात वहाँ से चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब भगवान गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में ही धस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करी गई परंतु पहिए वहाँ से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि और जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। नारद
जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और वह संकट टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। तब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे तो उन्हें सुधारे कौन। तभी सभी देखते हैं कि पास के खेत में खाली काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाली अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाली ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। अब खाली कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल ली और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल वापस घर लौट आए। यहाँ पे ये कथा संपूर्ण होती है। गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो बोलो गजानन भगवान की जय। कथा संपूर्णम। आपने देखा कि इस कथा में भगवान ने गणेश जी का अपमान किया तो उनके साथ क्या हुआ। इसलिए जब भी आप अपने घर में कोई पूजन करें तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करें। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात हमारी होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।